दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुश आमदीद करता हूँ। तो मैं आज अपने प्लांट्स के लिए शेप बना रहा था। पहले तो मैं मूड नहीं था शेयर करने का, फिर मैंने कहा कर लूँ। ये मैंने काट भी दी हैं कुछ ब्रांचेस। इसके ना नीचे से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही थी, यहाँ से एक पीछे से निकल रही थी, एक इधर से निकल रही थी। तो वो मैंने सारी काट दी, और ये भी मैंने काट दी, इसको नीचे से सारा खाली कर दी है देखो। और ये इसकी मेन ब्रांच थी मोटी वाली, इसको भी मैंने काट दी है, और यहाँ से इसको भी मैंने काट दी। मैं इसके ना एक शेप बनाना चाहता हूँ। आपको पता है कि मैं हर प्लांट की शेप बनाता हूँ, तो अगर मैं इसकी ना बनाऊँ तो कोई वो नहीं होगा। तो हम इसकी भी शेप बनाएंगे, क्योंकि अभी बहुत बिगड़ा हुआ लग रहा था, अब इसकी कुछ शक्ल बननी है। और मैंने ये अपनी इसकी भी की है कटिंग, इसकी पे भी आपको बताता हूँ इन दोनों की हमने कटिंग की। ये थी ब्रांच जो इसकी यहाँ से उग रही थी, ये पीछे से उग रही थी यहाँ से, तो ये मैंने काटी है। अब मैं ना इसकी ना सोच रहा था, इसको ना यहाँ तक ना मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो यहाँ तक है ना, इसके नीचे कोई मुझे ब्रांच नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हवा का गुजर होती। ये वाली भी मैं काट दूँगा, और ये और ये और ये, तो बस इतना होना चाहिए हवा का गुज़र, ताकि हवा अच्छी तरह गुजर सके। अदरवाइज़ क्या होगा कि नीचे साइड जुड़ में बन जाएगा, मेरे वो प्लांट वो हो जाएंगे, सफोकेट होंगे। अच्छा, अभी इसकी एक बहुत मोटी टहनी इसके बराबर ही है, दोनों के बराबर, लेकिन ये उल्टी साइड पे जा रही है, पीछे साइड पे। इसको मैं रखूँ तो कुछ वो नहीं होगा, मजाक करेंगे, कोई बात नहीं होगी। तो इस वजह से अभी तक मैंने इसको नहीं काटा, लेकिन इसकी मुझे नीचे वाली ब्रांचेस नहीं चाहिए इस टहनी की भी। इसको मैं आप प्रून क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ना इसकी ना रूट सेट हो चुकी है, इसको तकरीबन ना 3 महीने होने ही वाले होंगे। तो ये देखो, ये भी बेहंगम तरीके से बाड़ी है, तो इसको भी मैं काट दूंगा। इसको भी फ़िलहाल मैंने रखा है, क्योंकि ना ये आउटसाइड डायरेक्शन में जा रही है, तो कोई वो नहीं है इसको काटने का, ना टुक नहीं बनता, क्योंकि यहाँ भी फ्रूट ही उठा लेगी, यहाँ भी उठा लेगी, यहाँ भी हवा का गुजर होता रहेगा। ऊपर वाले को मैं नहीं छेड़ूंगा, ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रहेगा, ये देख सकते हो आप। अच्छा, मुझे ना ये वाली ब्रांच भी इसकी तंग आ रही है, क्योंकि अंदर की साइड से उग रही है, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो अब देखो, मैंने तकरीबन खाली कर दी है नीचे से ना, ऊपर से रखा हुआ है। ये भी मैं काट ही देता हूँ। ये देखो, ये वाली टहनी ना इसकी इतनी वो नहीं है कोई, ये देख रहे हो, इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऐसी टहनियों को रखें ये ही ना, बिल्कुल भी ना रखिए, क्योंकि ये बाद में जाके ना प्रॉब्लम करती हैं। बेशक ये मेरे लिए फ़ायदेमंद टहनी थी, क्योंकि बिल्कुल सीधी जा रही थी, लेकिन ऐसी टहनियों को रखना कोई अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि ये फंगस फैला देती हैं प्लांट में। देखा, अब हमारी सिर्फ एक टहनी रहेगी, अब जब थोड़ा और अच्छा लगने लग गया। तो यहाँ से मैंने एक काटी है, क्योंकि ना ये बिल्कुल उसके पास चिमड़ी पड़ी थी। तो अब इसका हवा का फ्लो भी है, यानी कि हवा ऐसे जाएगी, नीचे कोई फंगस का डर नहीं होगा। ये देखो, ये बाहर निकले, इसको हमें नहीं रखना, नीचे से कुछ नहीं उगने देना, और ये हमारी शेप बन गई। अब इसकी भी, इसकी बहुत ही गलत शेप है इस वाले की। इसकी एक तो मैंने यहाँ से काटी है, वो जो मोटी सी है ना, ये वाली, ये तो मैंने यहाँ से काट दी, क्योंकि ये बिल्कुल इधर जा रही थी। अब मसला ये है कि इसकी जो सबसे मोटी टहनी है ना, वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, जहाँ पूरा पौधा है, ये देखो। तो अगर मैं इसको काट दूँ तो कोई बचेगा नहीं ऊपर, और यहाँ से थोड़ी डैमेज भी है। तो या तो मैं इसको ऐसे काटूँ, या फिर इसको रहने दूँ, क्योंकि ये बाद में हील हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऐसे काट दिया ना, ये बहुत सारी डंडियाँ निकालेगा। तो अगर इसको मैंने काट दिया, तो बेचारी स्टैनी में कुछ बचेगा नहीं, लेकिन हमें हार्ड वो लेने पड़ती हैं स्टेप्स। तो ये लो, ये भी गई हमारी। तो कभी भी ऐसी टहनी ना रखें जो क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, और अब ये वाली मुझे कर रही है क्रॉस, तो मैं बेटा तुझे भी नहीं रखूँगा। ठीक हो गया, डरो नहीं, बस करते जाओ। आपने देखा हमने कैसे उसकी शेप बनाई, इसकी मैं अभी इस वजह से प्रूनिंग नहीं कर रहा, वरना मैं इसको यहाँ तक काट दूँ सारा, ये पे फल उठा लेगा, जबकि ये भी नहीं उठाएंगे। इसको मैंने अभी लगाया है, इसकी भी मैंने प्रूनिंग करनी है। देखो, बिल्कुल डी शेप है, लेकिन इसको मैंने अभी लगाया, भी ये जड़ें तो फैलाए, बिल्कुल ताज़े प्लांट की प्रूनिंग नहीं करते होते। अच्छा, ये देखो हमारी हवा का, इसका भी बन गया, इसके भी मैंने, अच्छा थोड़ा सा फासला रखा, इसके काटा, क्योंकि इसमें डाई पैक आता है। अच्छा, अब ये जो ये टहनी है ना, इसको अगर मैं इधर जाने दूँ तो जाने दूँ, कोई मसला नहीं है। तो अगर ये टहनी बिल्कुल सीधी जाती ना, तो बड़ी ज़बरदस्त बात ही, तो मैं इसको सारे को यहाँ से ना काट देता। अब मसला ये है, ये बैंडों के अंदर आ रही है, तो ये वाला असल में इस प्लांट की शेप ही गलत थी, इस वाले की ना, उसकी बिल्कुल सही शेप है, इसकी शेप ही गलत है।
तो चल रहे, इसको तो ऊपर से काटो ना, मैं देख रहे हो अब यहाँ से ऊपर से एक गुच्छा बनाएगा। इधर गया, ठीक हो गया, यहाँ पे गुच्छा बन जाएगा। अब उसका भी कुछ करना है हमने, या तो मैं इस टहनी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँ, इस वाली को, दोनों टक्कर की टहनी है, ये पीछे वाली को तो मैं कर ही देता हूँ। ओके, मैंने एक और वो सोचा है, क्योंकि ये टहनी ना बिल्कुल अंदर की तरफ जा रही, तो मुझे ये वाली एक टहनी रखनी पड़ेगी, ताकि मैं फ्यूचर में इसको काट सकूँ, इसको रख सकूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ना सीधी जा रही है। देखिए, सोचना पड़ता है पहले। तो इसके ना ये वाले जो है ना सर, आपको नज़र आ रहा है ना, समझ आ रही है ना, ये देखो मैं ये वाली क्यों रख रहा हूँ, ये बिल्कुल सीधी जा रही है ऊपर, और ये अंदर की तरफ जा रही है, इसकी तरह नहीं कि ये बाहर की तरफ निकले हुए, ये थोड़ी अंदर की तरफ जाए, तो फ्यूचर में ये दोनों टकरा सकते हैं। तो इसी वजह से ना फ्यूचर का प्लान भी करना पड़ता है। तो मैं इसको रख रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको यहाँ से काटने लगा था, तो सोचा करो फिर काटा करो। ठीक हो गया, ये भी हमारा गया, इसको मैं पूरा गंजा कर दूंगा। इस साल मैं इस पर कोई फ्रूटिंग श्रूटिंग नहीं लेना चाहता, मैं इसकी शेप बनाना चाहता हूँ। शेप बेस्ट है, अगर आप शेप नहीं बना सकते तो ये एक प्लांट सारे के सारे उसको कवर कर लेगा। और ये भी मुझे नहीं चाहिए, देख रहे हो ऊपर टहनी जा रही है, इधर जा रही है टहनी, ये तो ये भी मुझे नहीं चाहिए। अब मैंने क्या किया है, ये देखो, एक इसकी टहनी ये वाली छोड़ दी है, एक इसकी टहनी ये वाली बना ली है मैंने, और ये जो दरमियान से टहनी आ रही है, इसको भी अभी फ़िलहाल मैं रखूँगा, तो देखेंगे कि क्या पता इसके ना यहाँ से कोई शूट निकला है, तो इसको रखेंगे हम देखने के लिए। और ये बेचारे जो ऊपर हैं, ये जो नीचे की तरफ मुँह करी पड़ी है, इसको काट दो, सिर्फ प्लांट को ऊपर की तरफ बढ़ाओ। और ये भी अंदर की तरफ जा रही हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा ऊपर आके काट देता हूँ, इसको भी, और बल्कि इसको भी मैं कहता हूँ काट ही दूँ, जब सारों को काट दिए तो इसको भी काट देता हूँ। ठीक हो गया, अब ये हमारी बिल्कुल सही दो वो बन गई है, एक ये बन गई, एक ये बन गया, ये थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इससे ऊपर है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये देखो इसके हमने दो बाजू बना लिया। मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसको कट कर दूँ, कोई मजाक का नहीं है, लेकिन नहीं, ये भी सही जा रही है ऊपर, टकराव वगैरह किसी से नहीं रही। ये सब मैं बिस्मार के मैं यहाँ से निकालूंगा, ये बस टेम्परेरी था, तो फिर इसको जगह मिल जाएगी। हाँ, और पीछे वाली टहनी ना उस डायरेक्शन में जा रही है, उसका मुझे कोई वो नहीं, जैसे मैंने इसकी जाने दी है पीछे, उसकी भी जाने दूंगा। किनोपी मैं इसकी यहाँ तक, इसकी मेरा ये है बड़ा किनोपी का, उसका मेरा ये है, इसको थोड़ा शायद मैं नीचे रखूँ, उसको थोड़ा मैं ऊपर रखूँ। इसको अगर ऊपर रखा ना तो ये इसको फैल जाएगा, क्योंकि इसके पत्ते बड़े हैं। और ये देखते हैं, इसका ना मैंने डिसीजन, मेरा दिल कह रहा है कि मैंने इसको यहाँ से काट दूँ, लेकिन ना फिर ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो ये देखो हमारे फाइनल शेप्स, नीचे से वी शेप बनाई, यहाँ से मैंने एक ट्रैंक रखा, बाकी सारा काट ही, यहाँ से मैंने दो रखे, बल्कि तीन रखे हैं, दो इस वजह से रखी हैं क्योंकि असल हर चीज़ उसी पे ही है, इसी पे ही। तो ये भी सीधा एक बना सकता हूँ मैं फ्यूचर में, और यहाँ से दूसरा आर्म भी इसका यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं इसको काट रहा था, इस वाले आर्म को काट रहा था, जब मैंने देखा तो ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो मैंने इसको छोड़ दिया, वो पीछे जा रही है, उसको जाने दो, उसका कोई इशू नहीं है। अब इसकी शेप बहुत अच्छी है, बल्कि बन चुकी है, इसकी शेप अभी बनना बाकी है। और ये है जो हमने प्रून किया, और अब देखते हैं, ये मेरा लेमन है, इसकी प्लांटेशन की वीडियो भी है। अच्छा, इसकी ना जो है ना शेप बहुत बिगड़ी हुई है, ये आई थिंक सो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा, क्योंकि इसकी अलग एक सीरीज़ है। तो चलिए, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपने देख लिया कि हमने कैसे कवर करना है, बीच में हवा का गुजर रखना है, ताकि फंगस ना लगे, ना कि ना ही नीचे वाले पौधों को लगे, ना ही ऊपर वालों को, और बस और डरना नहीं है, काट तो है ना ये फिर वापस आ जाएगा, लेकिन हाँ उस टाइम नहीं काटना जब ना अपने नया नया प्लांट लगाया, जैसे ये मैंने कल लगाया है, तो इसको नहीं काटूंगा मैं पहले, ये 3 महीने का रूट फैला चुका है, इसने ग्रो करना स्टार्ट कर चुका था, देख रहे हो ये सारी, ये ना इसके सारे नए पत्ते निकले थे, ये तो नए पत्ते निकाल चुका हो, बल्कि 2 दफ़ा निकाल चुका हो, इसने दूसरी दफ़ा ये निकाले, ये भी 3री दफ़ा निकाल रहा अपने पत्ते, पहले ये इतना घना नहीं था। तो जब आपको लगे कि वो सेट हो चुका है, तो फिर काटो, अदरवाइज़ जाते ही ना काट दो, थोड़ा सब्र करो। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये देखो ये मैंने इसको भी काटा है, ये अपने शतूत को भी सारा काट दिया है, इसको मैं थोड़ा नीचे पे लाऊंगा, क्योंकि ये बहुत चीज़ होती है, ये किसी चीज़ को नहीं छोड़ता, हर चीज़ को खाता रहता है, इसका फ्रूट भी लगा था तो वो खा गई, यहाँ पे ना वो है पड़ी, स्नेल्स नहीं होते वो पैदा हो गए, और इसको बिल्कुल नहीं काटना, ये जी है,
इस ये बाहर है फूलों से, बल्कि फलों से छोटे छोटे हैं, इसकी बाद में बनाऊंगा। तो चलिए अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।